सो वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज जीवन प्रीति। और पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट की थी अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और देखा था हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं और खोल दिया है मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड। और पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने बनाई थी एक क्लास और हमने देखे थे कि उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है और हमने देखे थे कुछ वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो नंबर 41 जाकर आप ज़रूर से देखें। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट क्लास बनाई, फिलहाल हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा था, और स्टूडेंट क्लास का एक S1 ऑब्जेक्ट बनाया, एक S2 ऑब्जेक्ट बनाया। और वो ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जो मैंने नेम नाम का वेरिएबल बनाया तो ये S1 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, और ये जो मैंने नेम नाम का वेरिएबल बनाया ये S2 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये पर्टिकुलर इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है, पर हमने क्लास के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास के अंदर हम कैसे क्लास के वेरिएबल्स बना सकते हैं। और मैंने ये भी बात की थी उसी वीडियो के अंदर कि अगर हमको कोई भी एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हो, टेम्पलेट क्या है, हमारी क्लास, क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट है, मैंने बताया था आपको। तो अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और उसे हमें यूज़ करना है अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसको हम क्लास के अंदर लिख लेंगे। तो हमारे पास अगर क्लास के अंदर वेरिएबल होगा उसे हम डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक मैंने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया था आपको इसी के साथ ही कि अगर हमको ये जीवन नाम का एक बंदा है और अंकित नाम का बंदा है, दोनों के दोनों अगर सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या मैं एक S1 नाम के ऑब्जेक्ट के लिए अलग से स्कूल का वेरिएबल बनाऊंगा, इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा, और S2 के लिए फिर अलग से इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा? तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जबकि मैं स्कूल नाम का एक वेरिएबल डायरेक्ट क्लास के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि वो वेरिएबल क्या है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, तो उसे मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, क्लास के अंदर बना लूंगा। उसी प्रकार से अगर एक क्लास के अंदर फॉर एग्जाम्पल दोनों के दोनों 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो उस क्लास नाम के वेरिएबल को भी, उसका वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रखूँ, उसे भी मैं क्या करूंगा अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर बना लूंगा, तो क्या करेंगे, उसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा समय बच सके, और इसी को कॉपी करके लेके चलूँगा यहाँ पे दूसरी फाइल में, और दूसरी फाइल बना लूँगा मैं Oops2 नाम से, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा इसको पेस्ट कर दूँगा। तो फिलहाल मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और थोड़ा सा मैं इसे जूम करूंगा। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, उसी कोड को लाकर पेस्ट कर दिया, और हमने किया क्या था, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई थी, इस क्लास के अंदर फिलहाल हमने कुछ नहीं लिखा था, और अब हम इस क्लास के अंदर फिलहाल कुछ लिखने वाले हैं फाइनली। तो S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था, और S2 नाम का ऑब्जेक्ट था वो भी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था। S1 नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसे मैंने नेम दिया था, रोल नंबर दिया था, उसी प्रकार से S2 को नेम और रोल नंबर दिया था, और इन्हें प्रिंट करा लिया था, सिंपली हमने इतना काम किया था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है हमारे, ये हमारे होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल बनाए। ये जो नेम नाम का वेरिएबल है ये S1 ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, ये नेम नाम का वेरिएबल है ये S2 ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, तो ये पर्टिकुलरली इसी की प्रॉपर्टी है। तो इस नेम का हक सिर्फ इस S2 ऑब्जेक्ट पे है, और इस नेम का हक सिर्फ इस S1 ऑब्जेक्ट पे है, पर मुझे क्या चाहिए कि एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि पूरे सारे ऑब्जेक्ट्स जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसे मैं क्लास के अंदर लिख लूंगा, और उसे कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पास को हटाऊंगा, और ये पास मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा था ताकि हमारे को ये एरर थ्रो ना करे, मैंने बताया था पिछली वीडियो में पास के बारे में आपको। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं एक स्कूल नाम का वेरिएबल बना लूंगा, और वेरिएबल का नाम पड़ेगा ना, आप कुछ भी दे सकते हैं, पर अगर आप एक मीनिंगफुल नाम देते हैं तो सही बात है। तो मैंने यहाँ पर स्कूल नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और इस स्कूल नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या दे दूंगा, XYZ पब्लिक स्कूल, तो आप कुछ भी स्कूल का नाम दे यहाँ पे, और यहाँ पर आकर मैंने दे दिया XYZ पब्लिक स्कूल। तो ये क्या है, ये स्कूल नाम का वेरिएबल क्या बन गया, ये हमारा एक क्लास वेरिएबल बन गया, जैसे कि क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया है। तो क्लास वेरिएबल का मतलब क्या है, क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना दिया ताकि उसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाए। अगर आप गाइस पहली बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगे, बट अगर आप इनको एक दो बार चीज़ों को रिपीट करके दोबारा दोबारा लर्न करके कोड करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, स्कूल नाम का एक वेरिएबल बना दिया इस क्लास के अंदर। अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैंने क्या किया था, सिंपली अभी तक हमने प्रिंट कराया था, नेम कराया था S1 का प्रिंट, S1 का रोल नंबर प्रिंट कराया था, और S2 जो स्टूडेंट 2 था उसका नेम और रोल नंबर प्रिंट कराया था। फिलहाल अगर मैं इसे रन करके देखूँ, अपना ये पुराना आउटपुट ही थ्रो करेगा मुझे, और पुराना आउटपुट ही हम देखें तो हमारा आउटपुट क्या था कि नेम आ गया था, रोल नंबर आ गया था, और हमारा नेम और रोल नंबर दूसरे वाले का आ गया था। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर मैं प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं प्रिंट करा लेता हूँ स्कूल को भी, S1.school अगर मैं करूँगा, और यहाँ पर आकर मैं S2.school भी कर दूंगा,
तो अब क्या है, ये हमारा S1 के लिए है और मुझे यहाँ पे L लगाना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा फर्स्ट जो S1 ऑब्जेक्ट था उसके लिए, ये मेरा S2 ऑब्जेक्ट के लिए। अभी मैं फिलहाल अगर इसे रन कर दूँ तो क्या होगा, मैंने बताया आपको ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास XYZ पब्लिक स्कूल देखने को मिलेगा हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर आ गया नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज G1, रोल नंबर आ गया, स्कूल आ गया, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, स्कूल आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्कूल नाम का जो वेरिएबल था ये क्लास वेरिएबल था। तो क्लास वेरिएबल ने क्या किया, ये जितने भी हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, अभी तो हमने सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, चाहे हम 10 ऑब्जेक्ट्स भी बना लें तो क्या होगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर करेंगे, इस वेरिएबल को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल जो हम बना रहे थे वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर उसके लिए बनता है, लेकिन हम जो क्लास वेरिएबल बनाते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए बन जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग सही करें और सही से लिख लें। तो यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग्स लगाई है, चाहे तो आप एफ स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, मैं एफ स्ट्रिंग्स लगा दूंगा। फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं स्कूल नाम का तो मैंने वेरिएबल दिया, मैं क्लास नाम का भी एक वेरिएबल बना लूँ। तो क्लास ऑलरेडी हमारा एक कीवर्ड है, तो हम क्लास नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल वाली वीडियो आप जाकर जरूर से देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको रूल समझ आ जाएंगे। एक मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्री डिफाइंड जो हमारे कीवर्ड है उस नाम से हम वेरिएबल्स को नहीं बना सकते, अगर आपको पता हो तो। तो यहाँ पर कुछ और नाम देता हूँ, मैं सी नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, 12th क्लास में पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल। तो दोनों के लिए फिर से शेयर हो जाएगा। यहाँ पर आकर अगर मैं अब क्लास भी प्रिंट करा लूँ, तो अगर मैं प्रिंट करा लूँ s1.class, तो क्या होगा, क्लास नहीं, मुझे सी करना चाहिए, सी है वेरिएबल का नाम, s1.c। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट क्या कराऊंगा, s2.c, तो क्या होगा, हमारे पास क्लास भी आ जाएगी, 12th लिखा हुआ आ जाएगा दोनों में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, नेम आ गया G11 XYZ पब्लिक स्कूल और 12, वैसे हमारे पास अंकित के लिए भी आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे हमने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर हमने स्कूल डाल दिया और सी डाल दिया, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या थे, क्लास 12th और XYZ पब्लिक स्कूल, दोनों के दोनों जो थे प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे थे दोनों ऑब्जेक्ट। लेकिन हम नेम को तो नहीं डाल सकते थे, क्योंकि अगर नेम को डाल देंगे और यहाँ पर नेम को डिफाइन कर देंगे तो वो तो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम नेम हो जाएगा, सारे स्टूडेंट्स का नाम सेम थोड़ा ना हो सकता है। रोल नंबर लिया हमने, रोल नंबर सारे स्टूडेंट्स का सेम थोड़ा ना हो सकता है। तो जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि हमें क्या चाहिए, ऐसा वेरिएबल हो जो कि हमें चाहिए और वो टेम्पलेट में पहले से अब मौजूद हो। उसको हम मौजूद क्यों कराएंगे पहले से, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होगा, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स उसे शेयर कर सके और वो सबके लिए कॉमन होगा। अब मैं इसे यहाँ पर आकर थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो इसको अगर मैं ठीक से फॉर्मेटिंग इसकी लिख लूँ, तो मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग्स लगा देता हूँ। एफ लिख के यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा रोल नंबर इज, तो रोल नंबर लिख देता हूँ, रोल नंबर इज करके लिखूंगा। और यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, हम इसको ब्रेसिस के अंदर डाल देंगे। तो एफ स्ट्रिंग्स के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो एफ स्ट्रिंग्स वाली वीडियो आप जाकर जरूर देखें। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम इसको सिंपली वैसे वे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्कूल इज, और हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा लगाना पड़ेगा। और एफ स्ट्रिंग्स में हम थोड़ा उसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख देते हैं, थोड़ा हमारी फॉर्मेटिंग सही होती है। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्लास इज करके, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, दोनों की बात एक ही है। पर ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं एक ही लाइन के अंदर शो करने के लिए, तो प्रिंट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम एफ स्ट्रिंग्स का यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने एफ स्ट्रिंग्स वाली वीडियो में बताया। फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा लिखने की बजाय सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं हटा कर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और ये S1 को जहाँ जहाँ S1 है उसे मैं S2 कर दूंगा, और यहाँ जहाँ जहाँ S1 है उसे मैं S2 कर दूंगा। बाय द वे, हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी जो होती है उसे यूज़ कर रहे हैं, और इसको आप ऑल्ट और क्लिक करके जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ वहाँ कर्सर बन जाएगा। और जैसे ही आप कर्सर कहीं पे भी लाके क्लिक करेंगे तो वो सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई होप अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में पता है तो कुछ शॉर्टकट्स आपको पता होंगे। तो यहाँ पर आकर मैं इसको सेव करूंगा, और क्या करूंगा, मैं इसे जैसे ही अब रन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को एक बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ चुका है, द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज G1, रोल नंबर इज 1, XYZ पब्लिक स्कूल, क्लास इज दिस, एंड नेम रोल नंबर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ढंग से फॉर्मेटिंग आ गया। आप चाहे तो स्पेस वगैरह दे सकते हैं इसके बीच में, \n वगैरह लगा सकते हैं लाइन चेंजिंग के लिए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी आप करके देख सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये सब तो क्लियर होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं और क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं इस चीज़ में, और यहाँ पर आकर हम एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ s1.name को अगर मैंने यहाँ पर चेंज करके G1 की जगह G1 कर दिया न्यूमेरिकल वाला, तो क्या होगा, क्या ये मेरा नेम चेंज हो जाएगा? तो नेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आकर इसको दूसरी वैल्यू असाइन कर दी। तो क्या होती है, अपडेटेड वैल्यू ले लेता है वो, तो ये वेरिएबल्स वगैरह में भी हमने देखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो ये जी
वन की जगह जी और वन आ जाएगा, यानी कि जे डबल ई वी ए एन की जगह जी और वन न्यूमेरिक वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इसने क्या किया, अपडेटेड वैल्यू ले ली उसकी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो इंस्टेंस वेरिएबल था नेम नाम का, जो कि एस वन ऑब्जेक्ट का था, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने चेंज कर दिया। तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कहाँ हुए, ये S1 में ही होंगे। ऑफकोर्स S1 से मैं चेंज कर रहा हूँ नेम को, तो वो S1 के अंदर ही चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, अगर मैं S1 डॉट स्कूल कर दूँ, S1 डॉट स्कूल कर दूँ और क्या कर दूँ, चेंज करके उसका नाम ABC पब्लिक स्कूल, फॉर एग्जाम्पल S1 नाम का स्टूडेंट था, उसने स्कूल चेंज कर दिया, तो मैंने क्या किया, उसे पर्टिकुलरली S1 ऑब्जेक्ट के लिए चेंज किया, यानी कि जीवन नाम का स्टूडेंट था उसने स्कूल चेंज कर लिया, तो वो स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में चले गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलरली उसी स्टूडेंट का स्कूल चेंज किया, यानी कि S1 डॉट स्कूल, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से उसे टारगेट किया है। अगर अभी मैं इसे रन करूँ, मैं इसे रन करूंगा तो होगा क्या, ये सिर्फ S1 के लिए चेंज होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ स्टूडेंट वन के लिए उसे चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ABC पब्लिक स्कूल आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखें तो S2 के लिए क्या, S2 के लिए XYZ पब्लिक स्कूल ही है, और वो क्यों है, क्योंकि मैंने सिर्फ S1 के लिए चेंज किया गाइस। तो आप चेंज देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको इस ऑब्जेक्ट से टारगेट किया है, S1 नाम के ऑब्जेक्ट से टारगेट किया है और स्कूल को चेंज कर दिया है। लेकिन अगर मुझे इसे पर्टिकुलरली चेंज करना है पूरी की पूरी टेम्पलेट के लिए, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो चेंज हो जाए, अब क्या है कि एक्स वाई जी पब्लिक स्कूल का नाम चेंज हो गया, ABC पब्लिक स्कूल हो गया। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ रहा होगा, अगर एग्जांपल थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसको समझने की कोशिश जरूर करें कि फॉर एग्जांपल मुझे पूरी टेम्पलेट के लिए ही चेंज करना है, मुझे ABC पब्लिक स्कूल जो है वो पूरी टेम्पलेट के लिए चेंज करना है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे रिफ्लेक्ट हो जाए चेंजेस, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ना हो। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमें करना है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हम कर ही सकते हैं, एस वन डॉट स्कूल इज इक्वल टू कुछ लिख लेंगे, एस टू डॉट स्कूल इज इक्वल टू कुछ लिख लेंगे अगर एस टू को भी चेंज करना है। अगर कोई एस फाइव नाम का स्टूडेंट है, उसने भी स्कूल चेंज कर लिया, तो एस फाइव डॉट स्कूल इज इक्वल टू उसके स्कूल का नाम लिख देंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूरे के पूरे जो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं एक ही क्लास के अंदर, उन सबके स्कूल का नाम चेंज करना है, यानी कि स्कूल का ही नाम चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या वो 100 जो बच्चों के स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर है उनके अंदर अलग अलग जाकर उन्हें अपडेट करूंगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पूरी की पूरी जो टेम्पलेट जहां पर हमने स्कूल दे रखा है वहीं पे चेंज कर दूंगा, ताकि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के उसमें रिफ्लेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट ABC पब्लिक स्कूल लिख दूंगा तो उससे हो जाएगा, लेकिन मुझे क्लास को नहीं छेड़ना, मुझे डायरेक्टली बिना क्लास को छेड़े हुए चेंज करना है नीचे आकर। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से उसे टारगेट करूंगा। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे आके कहीं पे भी हम कर सकते हैं प्रिंट कराने से पहले, क्या कर दूंगा, यहाँ पे आके इधर ही कर देता हूँ। तो क्या कर दूंगा, मैं स्टूडेंट क्लास का नाम लिखूंगा, इस बार मैं ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखूंगा, इस बार मैं क्लास का नाम लिखूंगा। तो स्टूडेंट डॉट स्कूल इक्वल्स टू, अगर मैं कर दूं ABC पब्लिक स्कूल, तो अगर मैं ये करता हूँ और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो जाएगा, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, अगर यहाँ पे 100 ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं तो 100 ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ये चेंज हो जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट के लिए भी हो गया ABC पब्लिक स्कूल, और सेकंड के लिए भी हो गया यहाँ पर ABC पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर 100 ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं तो ये 100 के लिए भी चेंज हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि इस बार मैंने उसे स्टूडेंट डॉट स्कूल कर दिया, यानी कि इस बार मैं उसे क्लास का नाम, क्लास का नेम डॉट और क्लास का जो वेरिएबल है उसका नेम लेके उससे, क्लास से उसे टारगेट करके चेंज कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर कुछ S1 लिखता हूँ, S2 लिखता हूँ या कुछ और लिखता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, वो अपना एक इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा है, क्लास वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा, वो क्लास के वेरिएबल को अपडेट नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास का वेरिएबल ही, ये जो वेरिएबल था स्कूल नाम का, यही अपडेट हो जा रहा है यहाँ पर ये क्लास का वेरिएबल ही अपडेट हो जा रहा है। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, जो मैंने पहले लिखा था S1 डॉट स्कूल इज इक्वल टू ABC पब्लिक स्कूल, वहाँ पे क्या हो रहा था, S1 के अंदर एक और स्कूल नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बन जा रहा था। अब आपको इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल के बीच में तो अब तक डिफरेंस पता ही चल गया होगा। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, वो S1 के लिए बन रहा है पर्टिकुलरली, लेकिन क्लास वेरिएबल क्या है, वो पूरी क्लास के लिए बन रहा है, इस टेम्पलेट के अंदर ही बन रहा है। तो आई होप आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको इसका प्रूफ वगैरह देखना है कि कैसे हम देखें कि ये इंस्टेंस वेरिएबल बन रहा था अलग से, तो उसके लिए आप डिक्ट फंक्शन वगैरह चला के अलग से देख सकते हैं उसे। तो मैं आपको उस कंफ्यूजन के अंदर नहीं ले जाना चाहूँगा, उसके बारे में हम बाद में आगे देख लेंगे। तो अभी आप इतनी चीज़ों को समझे, और अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, तो एक दो बार अगर आप इन चीज़ों को दोबारा से रिपीट करेंगे, चीज़ों को दोबारा से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, कोड करके देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें
चीजें सारी समझ आएंगी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बात करेंगे क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे बनानी है और कंस्ट्रक्टर वगैरह के बारे में देखेंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके बाय।